लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि हजारों लाखों लोग वाहन के लिए तरस गए, लेकिन भोपाल में नगर निगम कमिश्नर के कुत्ते तक को वाहन मुहैया है। उसे अस्पताल जाने तक के लिए बड़ी सी गाड़ी मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, ध्यान दीजिए, कहीं अफसरों के ये काम सरकार पर भारी न पड़ जाएं। कोरोना संक्रमण काल में जहां इंसानों को वाहन नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं एक अधिकारी का कुत्ता नगर निगम के वाहन में घूम रहा है। एक जागरूक व्यक्ति ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। एक तरफ आपने हजारों मील पैदल चलते भूखे प्यासे लोग देखे होंगे, वहीं एक तस्वीर ये भी है। मजदूर कोरोना संकट के बीच साधन ना मिला तो पैदल ही चल पड़े, आंखों में आंसू, पैरों में छाले तो दिल में गुबार लिए। कुछ मजदूर भाइयों ने मंजिल से पहले ही दम तोड़ दिया तो कुछ घर की दहलीज तो चढ़ गए, लेकिन सब कुछ खोकर। वहीं भोपाल में देश की दूसरी तस्वीर देखिए, जो इंसानी जिंदगी की कीमत बयां कर रही है। बड़ी सी सरकारी गाड़ी में सवार ये कुत्ता वीआईपी जमात का है। विदेशी नस्ल का ये कुत्ता भोपाल नगर निगम कमिश्नर विजय दत्ता का बताया गया है। किसका कुत्ता है? कमिश्नर साहब, कहाँ जा रहा है? विटनरी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इस कुत्ते का सिर्फ रूटीन चेकअप होना था, लेकिन साहब का कुत्ता था तो दलबल के साथ इतनी बड़ी गाड़ी की व्यवस्था की गई। जब लॉकडाउन के चलते पूरी प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त हो तो ऐसे में रसूख कहां समझौता करता है। हाथ में पावर हो और दिलो दिमाग में ठसक तो फिर किसकी मजाल कि कुत्ते के लिए भी कोई कुछ बोल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के राज में पहले भी अफसरों की ठसक कई कहानियां सामने आई हैं, जिन्होंने शिवराज सिंह को कई मर्तबा पसोपेश में डाला है। अब फिर लगता है ये अफसर ऐसे कारनामों से शिवराज सिंह सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।